फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मिनी डिजिटल इंजन बना के दिखाऊंगा। इसे आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इससे एक जनरेटर भी बना के दिखाऊंगा, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। बनाने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इंजन को किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो यहाँ पे से बनाने के लिए मैं कुछ इस तरीके का एक लकड़ी का पीस ले रहा हूँ। इसी बोर्ड के ऊपर मैं पूरे इंजन को यहाँ पे बनाऊँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे एक खाली परफ्यूम की बोतल यूज़ कर रहा हूँ, जो मेटल की बोतल होती है कुछ इस तरीके की। और इसके बाद में मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक लकड़ी का टुकड़ा, जिसी के ऊपर हम यहाँ पे इस पिस्टन को सेट करेंगे और जो बोतल है उसे हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो लकड़ी का टुकड़ा है इसे मैं इस बोर्ड के ऊपर सेट कर लेता हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर हम इस इंजन को यहाँ पे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 कील की मदद से कुछ इस तरीके से सेट कर लिया है। इसके बाद में जो परफ्यूम की बोतल है इसे मैं यहाँ पे बीच में से काट लेता हूँ। आपको बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे इसे काटना है, क्योंकि जो पिस्टन होगा वो इसी के अंदर यहाँ पे वर्क करेगा, और जो डीजल है उसका स्पार्क सब कुछ इसी के अंदर होगा। तो आपको इसे पिस्टन के हिसाब से यहाँ पे नापना है कि पिस्टन यहाँ पे कितने अंदर तक मूव करेगा। तो इसका एक सिरा हमने यहाँ पे निकाल दिया है। उसके बाद में जो इसके ऊपर यहाँ पे पाइप लगा हुआ है इसे मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके ऊपर मैं जो डीजल होता है वो एक सिलेंज की मदद से इसमें सेट करूँगा, और स्पार्क के लिए जो लाइटर होता है उसे मैं यहाँ पे यूज करूँगा। तो आप इसमें बैटरी का स्पार्क भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइटर का जो स्पार्क है वो 100% वर्क करेगा, तो आपको वही यूज करना है। सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँ किस तरीके से आपको सेट करना है। तो जो सिरिंज होती है ये आपको मार्केट से नहीं ले लेनी है, मेडिकल शॉप से। इसे मैं यहाँ पे यूज करूँगा कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड से। आप चाहें तो इसमें सुई भी लगा सकते हैं, लेकिन सुई के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। तो इसके बाद में जो लाइटर होता है उसे आपको कुछ इस तरीके से, इसके अंदर का जो पूरा मैकेनिज्म होता है जो स्पार्क करता है इसे आपको निकाल लेना है, और इसे हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो आपको इसकी जो मेटल वाला सिरा है और जो वायर होता है इसे आपको बिल्कुल अंदर की साइड में सेट करना है। तो कुछ इस तरीके से अंदर की साइड में ये स्पार्क होगा, जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तभी आपको इसका यूज़ यहाँ पे करना है। तो ये मैंने पिस्टन बनाया था पिछले वीडियो में, अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप उस वीडियो को देख के घर पे बना सकते हैं कि पिस्टन किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसी का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सिरिंज में मैंने यहाँ पे डीजल भर लिया है, और इसके बाद में जो लाइटर है उसे मैं हॉट ग्लू की मदद से सेट कर देता हूँ। आप चाहें तो एम सील से भी सेट कर सकती हैं, और यहाँ पर जो सिरिंज है उसे ही मैं सेट कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर लीकेज ना करे बिल्कुल भी, और डीजल यहाँ पर इसके अंदर ही जाए। तो वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना, किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो यहाँ पर जो बोतल है उसे मैंने सेट कर लिया ग्लू की मदद से। आप चाहें तो पत्ती की मदद से भी सेट कर सकते हैं, 2 स्क्रू का यूज करके। चलिए अब आगे का प्रोसेस जानते हैं, किस तरीके से आपको इसका व्हील लगाना है, और किस तरीके से जो जनरेटर वाली मोटर है उसका यूज करना है। जनरेटर वाली मोटर यहाँ पर सेल्फ का भी काम करेगी। तो मैं यहाँ पर एक पावरफुल गियर मोटर यूज कर रहा हूँ, जो कि 12 वोल्ट से वर्क करती है, और आउटपुट में ये 48 वोल्ट तक करंट देती है। और यहाँ पर दो प्लास्टिक वाले गियर यूज कर रहा हूँ। बड़े वाले गियर को मैं मोटर के साथ लगाऊंगा, और छोटे वाले गियर को मैं पिस्टन के साथ लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स, चाहें तो आप इसमें जो फ्लाईव्हील होता है वो भी लगा सकते हैं, उस पर एक पट्टे की मदद से यहाँ पे मोटर को मूव करा सकते हैं, जो रबड़ होती है बेल्ट होती है उसकी मदद से। लेकिन मैं यहाँ पे गियर का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये 100% वर्क करेगा, और जो सेल्फ वाला सिस्टम होता है वो इसमें गियर ही यहाँ पर यूज होता है। तो इसमें मैंने छेद कर लिया है, और एक बोल्ट की मदद से यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं इसे सेट कर लेता हूँ। आपको एक पाइप का टुकड़ा भी यहाँ पर लगा देना, ताकि ये बिल्कुल फ्री मूव करे। ऊपर की साइड से मैं यहाँ पर से जो सुपर ग्लू होता है उससे मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर निकले ना। तो पिस्टन हमारे यहाँ पे बनके कंप्लीट हो चुका है, चलिए अब इसे सेट कर लेते हैं। तो पिस्टन को मैं अंदर की साइड में लगा देता हूँ, और जो इसका व्हील है यानी कि जो गियर है उसे मैं यहाँ पे एक स्क्रू की मदद से एक पाइप को बीच में लगा के सेट कर देता हूँ, ताकि ये भी बिल्कुल फ्री मूव करे। तो आपको यहाँ पर पूरी फिटिंग जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसी तरीके से करनी है, तभी यहाँ पर वर्क करेगा। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वरना आप बोलेंगे ये फेक वीडियो है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है यहाँ पर। तो देख पाऊंगे यहाँ पे बिल्कुल फ्री मूव कर रहा है। अब इसके बाद में जो गियर वाली मोटर यानी कि जो इसका सेल्फ है वो इसका जनरेटर है, यहाँ पे वही यहाँ पे आउटपुट में करंट भी बनाएगा, लेकिन स्टार्ट के लिए आपको उसमें सप्लाई देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में आप उससे करंट ले सकते हैं। तो 2 लकड़ी के टुकड़ों पर मैं यहाँ पर सेट करूँगा। तो कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल गियर को फंसा के यहाँ पर, आप चाहें तो पत्ती में से ही सेट कर सकते हैं, चाहें तो आप जो हॉट ग्लू होता है उससे भी आप इसे चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो हॉट ग्लू होता है उससे मैं यहाँ पे इस मोटर को सेट कर लेता हूँ। अगर आपके पास ये मोटर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आपसे घर पे मंगा सकते हैं ऑनलाइन। तो देख पाऊँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मोटर वो सेट हो चुकी है। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक बल्ब लगा लेता हूँ, ताकि हम इसके आउटपुट सप्लाई को देख सकें। तो यहाँ पर मैंने एक 12 वोल्ट का बल्ब लगा दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा इंजन वो बन के कम्प्लीट हो चुका है, चलिए उसे चेक करके देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके सारे वायर अलग हैं,
लेकिन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सेल्फ वर्क करेगा। लेकिन जब तक हम लाइटर का यहाँ पर ट्रिगर ऑन नहीं करेंगे, इसमें स्पार्क नहीं करेंगे, तब तक हमारा इंजन यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सिरिंज है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा वेट रख देना है, ताकि यहाँ पर जो डीजल है वो नीचे की साइड में होता रहे। तो चलिए फाइनली उसे स्टार्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो पहले मैं जो गियर है उसे यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ, यानी कि इसकी मोटर को ऑन कर लेता हूँ, और इसके बाद में स्पार्क करते हैं हम इसमें और देखते हैं यहाँ पर जो हमारा इंजन है वो स्टार्ट होता है कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें स्पार्क करना है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा जो इंजन है वो स्टार्ट हो चुका है। देख पा रहा हूँ यहाँ पर इसके वायर को मैंने निकाल दिया है, और तब भी हमारी मोटर यहाँ पर चल रही है, यानी कि हमारा जो इंजन है वो करंट बना रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसमें आउटपुट में करंट आ रहा है। तो देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 12 वोल्ट का बल्ब है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्लो कर रहा है, और इंजन भी यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कहीं से कोई भी वायर नहीं है ऐसा कि जिससे मोटर वर्क कर रही है और उससे यहाँ पर इंजन जो वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रियल वीडियो, आप घर पे से ट्राई कर सकते हैं। और जो यहाँ पे आउटपुट में करंट है वो भी यहाँ पे बन रहा है, ऐसा नहीं कि ये कोई फेक वीडियो है, आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं, 100% वर्केबल है। देख पाऊँगा यहाँ पे जो इंजन है वो वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने यूट्यूब पर काफ़ी सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिनमें आपको अलग अलग तरीके से इंजन बना के दिखाया होगा, और उसमें अलग अलग ट्रिक लगाते हैं लोग। अगर आप चाहते हैं कि इसके पीछे की रियलिटी मैं आपके सामने लेके आऊँ, तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसकी रियलिटी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे इस तरीके के इंजन बनाते हैं लेकिन कोई भी उसमें रियलिटी नहीं बताता। अगर आप चाहते हैं कि इसके पीछे की रियलिटी मैं आपको बताऊं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।